हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो 10th क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये अब हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये होने वाला है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री डील्स विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज्ड बाय श्रीयु एंड विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच द नेशनल स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें एक जो फ्रेंच एक था व्यक्ति जिसका नाम था फ्रेडरिक श्रीयु, उसके आइडियाज़ जो थे, उसने जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए थे उससे डील करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि जो नेशनलिज्म था वो यूरोप में कैसे आया, जो 19th सेंचुरी थी उस टाइम में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जो नेशनलिज्म है वो आया, उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में क्या है कवर करेंगे। द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर आर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, French Revolution, Nationalism and Imperialism। यानी अब जो हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक करेंगे, उसमें सबसे पहले तो आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके बाद नेशनलिज्म का कंसेप्ट आएगा और इंपीरियलिज्म क्या होता है, ये चीज़ें आएगी। तो हम इसको वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स उनको कवर करेंगे। आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। सबसे पहले आता है फ्रेडरिक श्रीयुज विजन ऑफ वर्ल्ड। जो फ्रेडरिक श्रीयु जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसका जो वर्ल्ड का क्या नज़रिया था, उसने क्या विज़न अपना दिया था, उसके क्या आइडियाज़ थे, वो हम देखते हैं। फ्रेडरिक श्रीयु फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848 प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट विजुलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये क्या है, ये बंदा एक आर्टिस्ट था, इसने 1848 में ना चार कोई पेंटिंग्स बनाई, चार प्रिंट बनाए जो किस चीज़ को दिखा रहे थे, इसका एक जो ड्रीम विजन था, इसका एक सपना था भी वर्ल्ड ऐसा हो सकता है, जो कि वर्ल्ड किसका था, डेमोक्रेसी जहाँ पे थी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड था, और सोशल रिपब्लिक जो वर्ल्ड था उससे रिलेटेड इसने अपना जो विजन है वो क्या है प्रेजेंट किया था। द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट वॉज कैरिड बाई अ फीमेल फिगर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। अब देखो, इसने जो सबसे पहली पेंटिंग या प्रिंट बनाई थी, उसमें ना जो यूरोप और जो अमेरिका के लोग थे वो मार्च पास्ट कर रहे थे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके सामने से, और वहाँ उनका एक जो फीमेल यानी कि एक जो महिला है वो उनको लीड कर रही थी, उसके हाथ में क्या थी, एक टॉर्च थी। वो टॉर्च किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इनलाइटनमेंट को, और उसके साथ क्या था, एक उसके पास था चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि उस पर जो राइट्स थे अलग अलग उसके बारे में एक चार्टर लिखा हुआ था। ये एक पेंटिंग में इसने बनाई थी जिसमें ये चीज़ें हैं वो दिखाई गई थी। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द लाई शेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। इन द श्रीयुज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अब इसने ना एक यूटोपियन विजन देखा था। यूटोपिया क्या होता है, एक इमेजिनेटिव एक स्टेट होती है, जिसको हिंदी में हम राम राज्य बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, कोई भी क्या है नेगेटिव चीज़ें ना हो। तो इसने एक यूटोपियन ड्रीम विजन देखा था, जिसमें जो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग देशों के जो लोग थे, उनके क्या है सबके सेपरेट फ्लैग्स थे और उनकी कॉस्ट्यूम थी अलग अलग, ठीक है, जिनसे उनका क्या है पता चल रहा था भी ये कौन से देश का है, ये कौन से देश का है। तो ये इसका एक विजन था। द प्रोसीजन वॉज लेड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाई द फ्रांस एंड जर्मनी। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसलीज, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो इस प्रकार इसने क्या है अपने कुछ थॉट्स है वो दिए थे भी, जो एक्चुअल में जो वर्ल्ड है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है वो कैसा होना चाहिए। तो इसने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए चार इसने क्या है प्रिंट्स बनाए थे, जिसके थ्रू इसने अपने आइडियाज़ उनको क्या है रिफ्लेक्ट किया था।
इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन होती है उससे पहले जो एक नेशन का आइडिया था ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था इस फॉर्म में, लेकिन ये रिवोल्यूशन होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, एक पार्ट है हिस्ट्री का। इसको अब हम देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। यानी कि जो नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद की भावना है वो सबसे पहले कब आई क्लियरली, मतलब राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म हम कह सकते हैं वो आई 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। द पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले ना जो फ्रांस है वहाँ पर क्या है एक मोनार्की सिस्टम था, यानी कि वहाँ पर एक राजा है वो क्या है रूल करता था, और वो बहुत ही मतलब लापरवाह तरीके से, मतलब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो जिससे फिर लोगों ने क्या किया उसके विरुद्ध क्या है रिवोल्ट कर दिया, और वहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी जो ऐसा सिस्टम था उसको उन्होंने उखाड़ फेंका, और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या है उन्होंने स्थापना की। इसके बाद क्या होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। द आइडियाज ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स एम्फेसिस द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गई, मोनार्की सिस्टम था उसको उन्होंने उखाड़ फेंका, डेमोक्रेसी की उन्होंने क्या है वहाँ पर स्थापना की। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने ऐसे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाए जिससे लोगों में क्या है किस चीज़ की सेंस जा रही थी कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की, वो सभी के सभी क्या है फ्रेंच है, ये सेंस उनमें जा रही थी। यानी कि उनको जो फ्रेंच आइडेंटिटी है उससे क्या है एक तरीके से लगाव हो रहा था या उनको उस आइडेंटिटी से जोड़ा जा रहा था, यहीं से जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो निकल कर आता है। द आइडियाज ऑफ फादरलैंड एंड द सिटीजन्स एम्फेसिस द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। उन्होंने ना मतलब ऐसे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाए जैसे फ्रेंच जो कंट्री है वो उनकी फादरलैंड है और वो सारे के सारे इसके सिटीजन हैं, सारों की क्या है यूनिक मतलब आइडेंटिटी है, सभी इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए गए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सभी के सभी क्या है इक्वल राइट्स उनको इंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा एक नया जो फ्रेंच फ्लैग है वो भी क्या है उन्होंने वहाँ पर बनाया, और जो पुराना फ्लैग था फ्रांस का जो कि पहले वहाँ के जो मोनार्क है वो यूज़ करते थे उसको उन्होंने क्या है फिर बैन करके अपना जो नया जो फ्रांस का जो फ्लैग है वो क्या है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began to setting up Jacobean clubs. जब फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो न्यूज़ है वो आसपास के कंट्रीज आसपास के सिटीज़ में पहुंची तो वहाँ पे भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उन्होंने भी क्या है सिमिलर चीज़ें करनी शुरू कर दी, उन्होंने भी क्लब्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए जिससे क्या है नेशनलिज्म है वो वाली फीलिंग है वो क्या है उनमें सभी लोगों में क्या है वो सेंस क्या है डिवेल्प की जा सके। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1970s। With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. अब इसके बाद फिर क्या हुआ, लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, उन्होंने जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच आर्मीज थी उनको क्या इन्वाइट करना शुरू कर दिया, और फ्रेंच आर्मी ने भी क्या धीरे धीरे आसपास क्या मूव करना शुरू कर दिया जैसे नीदरलैंड जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं, बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली जो इसके आसपास जो कंट्रीज थे वहाँ पर इन्होंने क्या है मूव करना शुरू कर दिया था 1790s के टाइम। और इसके बाद रिवोल्यूशनरीज वार है उनकी एक सीरीज है वो शुरू होती है। इसके बाद फिर क्या आता है राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स। अब देखो पहले वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में उसको उखाड़ फेंका रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी की स्थापना की, लेकिन उसके बाद फिर राइज ऑफ नेपोलियन वहाँ का फिर से क्या है एक तरीके से मोनार्क बन जाता है। तो इसमें क्या होता है जब नेपोलियन वहाँ का मोनार्क बना तो उसके साथ ही फिर क्या हुआ रिटर्न टू मोनार्की,
नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जैसे ही नेपोलियन वहाँ का क्या है मोनार्क बनता है, उसने डेमोक्रेसी जो थी, जो लोकतांत्रिक सिस्टम था, उसको क्या है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज द नेपोलिक कोड डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control. अब उसने क्या किया, 1804 में उसने सिविल कोड लागू कर दिया नेपोलियन ने। इस सिविल कोड के तहत पहले क्या था कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ थी, यानी कि वो किसके हिसाब से थी, बर्थ बाय बर्थ के हिसाब से। जो फ्रेंच है उनको क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल माना गया था, लेकिन इसने क्या है सबको इक्वल राइट दिए और राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया नेपोलियन ने। और ये जो सिविल कोड था ये इसने उन उन जगहों पर लागू कर दिया जहाँ पर फ्रेंच का आर्मी का कंट्रोल था, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन सभी जगह पर इसने क्या है जो सिविल कोड है वो लागू कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। इसके अलावा फिर नेपोलियन के जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ, उसमें जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। जो पीजेंट्स थे, किसान थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर थे या बिजनेसमैन थे, उन सभी को क्या थोड़े से ज़्यादा राइट्स दे दिए गए, उनको अब ज़्यादा फ्रीडम है वो दे दी गई। तो इस प्रकार जब नेपोलियन आया तो उसने कुछ अच्छी चीज़ें की और कुछ उसके साथ क्या है बुरी चीज़ें भी हुई। जैसे उसने डेमोक्रेसी है उसको फिर से ख़त्म कर दिया था, और इसके अलावा उसने क्या है फिर अलग अलग जो आसपास के एरियाज़ थे उसने वहाँ से क्या है वार शुरू कर दिए। वॉर की एक सीरीज शुरू होती है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो यूरोप का मैप दिखाया गया है इसमें, ये जो वियना एक ट्रेटी होती है वहाँ पर एक संधि होती है, वो होती है नेपोलियन की हार के बाद, उसके बाद का ये मैप है यूरोप का। तो अब हम देखते हैं कि जो कुछ मेन मेन इवेंट्स थे उनकी डेट वगैरह क्या है। 1797 में क्या हुआ, जो नेपोलियन है वो इटली को इन्वेड कर लेता है, इटली को क्या है अपने कब्जे में ले लेता है 1797 में नेपोलियन। और उसके बाद जो नेपोलियनिक वार है वो शुरू हो जाते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं और ये ख़त्म होते हैं नेपोलियन की हार के साथ। 1815 में क्या होता है, फॉल ऑफ नेपोलियन। ये 1797 में शुरू हुआ था, इसने आसपास क्या जो एरियाज उन पर कब्जा करना शुरू किया था अलग अलग कंट्रीज़ पे, और 1814-15 तक जाते जाते ये क्या है हार गया था नेपोलियन, फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट। और इसके हार के साथ जो वियना में जो पीस सेटलमेंट है वो होती है, वियना में जो शांति की संधि है वो होती है, जिसका मैप अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। 1821 में क्या होता है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। 1821 में जो ग्रीक है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। 1848 में क्या होता है, रिवोल्यूशंस इन यूरोप। यूरोप में अलग अलग जो एरियाज में रिवोल्यूशन है, क्रांति है, वो शुरू हो जाती है। इसमें आर्टिस्ट भी होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर भी होते हैं, पीजेंट्स भी होते हैं, ये सारे के सारे रिवोल्ट कर देते हैं। जो इनको परेशानियाँ हो रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप थी या फिर इनके राइट्स थे वो बहुत कम थे, इनके विरुद्ध ये सारे के सारे पूरे यूरोप में क्या है रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आज की फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की। इसके अलावा इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बचे हुए हैं, उनको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश है वो करेंगे।